वेदा में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स और फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चीज़ें हम लोग बेसिकली जो थ्योरेटिकल सेक्शन है शुरुआत का, जो पढ़ने वाले हम लोग चार्ज के रिगार्डिंग, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लास टेंथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वहाँ पे जैसे हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं तो करंट के डेफिनेशन में आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वहाँ पे चार्ज के बारे में हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर में चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, चार्ज का बिहेवियर, चार्ज का रिएक्शन, चार्ज के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्टडी ऑफ इंटरैक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज। यानी कि जो भी एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है अपना अपने सराउंडिंग पे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब कि वो अपने नियर बाई सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, वो अपने नियर बाई सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, उससे रिलेटेड फील्ड लाइंस होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, और वो भी किसका, ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है चार्ज की, तो चार्ज के डेफिनेशन की जब बात आती है तो डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली हमने लिख रखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पाता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट से बेसिक मतलब हमारा यही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो किसी नियर बाई चार्ज के साथ उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी एक फील्ड एनर्जी भी होगी। ये सारे की सारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के अंदर में आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी जस्ट ऐसे ही होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होगा उस चार्ज के रिगार्डिंग और मैग्नेटिक फोर्सेज वो चार्जेस एग्जर्ट करेंगे। उसके बाद जब बात आती है कि ये एक प्रॉपर्टी है, तो क्या अगर ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के पास न हो तो क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर पाएगा। वो रेस्पॉन्ड तो कर सकता है इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड में किसी और चार्ज के, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे अगर उसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी है नहीं। तो बेसिकली चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी अगर किसी के पास हो तो फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है क्लियरली कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं कि सारे के सारे जो मैटर्स हैं वो एटम्स से बने होते हैं, और जो एटम्स होते हैं एटम्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एटम्स में एक तो उसका न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो। यानी कि न्यूक्लियस बना होता है इलेक्ट्रॉन्स से मिलके, और सॉरी एक एटम्स बना होता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के साथ साथ किससे मिलके बना होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ ऑर्बिट में न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के अगर हम चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपने टेंथ में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, इसका चार्ज इतना होता है। प्रोटॉन के अगर चार्ज की हम बात करें तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आप इसको कह सकते हैं +1.6 × 10⁻¹⁹ और ये कूलम। कूलम बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है, और सारी यूनिट होती हैं, वो सारे यूनिट्स के बारे में अभी हम कुछ देर बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी जो चीज़ें बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज जीरो होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आगे इसके हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी की, आप एक देखेंगे अपनी किताब में जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी का जिक्र है। इस थ्योरी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है कि बॉडी कैन बी चार्ज्ड
by adding or removing electrons from it. यानी किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है, बॉडी अगर न्यूट्रल स्टेट में है, बॉडी पे अगर नेट चार्ज जीरो है, अगर बॉडी को चार्ज करना है तो सिर्फ ये पॉसिबल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड करें वहाँ पे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव कर दें। अब इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, दिस इज़ अनदर थिंग। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हम लोग वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बस जानना ये आपके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि अ बॉडी कैन बी चार्ज, यानी किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन या तो डिपॉजिट करके या तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने दिखा रखी हैं, एक बॉडी ए है जो शुरू में न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब कि इस बॉडी में जो शुरू का चार्ज है वो है जीरो, यानी शुरू में इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं, क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। अब जैसे इस बॉडी से हमने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अब कैसे निकालें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमने एन नंबर ऑफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो बॉडी ए से प्लस एन इंटू ई, इस पे एन प्लस एन इंटू ई के बराबर चार्ज आ गया। कहने का मतलब कि आप ये साफ साफ कह सकते हैं यहाँ पे कि ए पे जो चार्ज आया है उसको हम अगर क्यू डैश माने तो क्यू डैश इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। ई एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बॉडी से, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, यानी कि बॉडी के पास चार्ज आता है पॉजिटिव। और जस्ट इसका वैसे वर्षा होता है उल्टा कि अगर बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किए किसी तरीके से, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने के बाद चार्ज तो उतना ही आता है लेकिन वो चार्ज होता है नेगेटिव। यानी कि बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स खोती है, डोनेट करती है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, बॉडी में जब आके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। एक बात हम साफ साफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो अपने मास को भी लेके निकलते हैं, क्योंकि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर चार्ज है तो जाहिर सी बात है वहाँ मास होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो अपने मास को भी लेके निकले, और जैसे ही मास को लेके निकले बॉडी ए से ए प्लस हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। इस केस में आप ये बोलेंगे अगर शुरू में इसका मास एम था बॉडी का, ए का जो कि अनचार्ज थी, बाद में इसका मास अगर एम डैश हो गया तो जो एम डैश की वैल्यू होगी ये एम से कम होगी, यानी मास इसका डिक्रीज कर जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा कम होता है जो कि उसका न्यूट्रल स्टेट में होता है। और जस्ट इसका उल्टा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब आके यहाँ पे जुड़े तो इन्होंने अपने मास को लेके भी आए थे, और जब मास को ये लेके आए तो बॉडी बी से बी माइनस बन गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो फिर इस बॉडी का, इस चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो पहले से इंक्रीज हो चुका होगा। यानी इसके मास को अगर हम एम मान लें जब ये न्यूट्रल स्टेट में थी, इसके मास को हम अगर एम डैश मान लें यहाँ पे, इस केस में जो m डैश की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी m। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस के बारे में साफ साफ यही फंडा है, रेडियस या फिर साइज की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे रेडियस इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि हमने बॉडी को स्फेरिकल शेप का मान रखा है। अगर हम बॉडी के शेप की बात करें तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, बॉडी का साइज हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, हालांकि वो नेग्लिजिबल बढ़ता है तो उसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात करें कि हाँ साइज़ में क्या होता है, तो साइज़ में फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि साइज़ बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है बॉडी, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, ये सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, जिसका बात हम अभी कर रहे थे कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि मास एग्जिस्ट कर सकता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर किसी के पास मास नहीं है तो उसके पास चार्ज होना पॉसिबल है ही नहीं, चार्ज उसके पास होगा ही नहीं कभी। जैसे एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं कि फोटोन, अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन के पास जो उसका रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, फोटोन के पास कोई रेस्ट मास नहीं होता। फोटोन एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब वो मूव कर रहा होता है। फोटॉन्स के अलावा आप बात करें न्यूट्रिनो की, न्यूट्रिनो का भी रेस्ट मास जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि फोटोन और फोटोन के साथ साथ जो न्यूट्रिनो है उस पर कोई भी चार्ज आ नहीं सकता, ठीक है। तो वही, ये चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए सिर्फ ये इसी केस में नहीं होता, बहुत सारी रेज, बहुत सारी बीम ऐसी होती हैं, जैसे आपके बीटा रेज हो गई, आपकी कैनाल रेज होंगी, आपकी कॉस्मिक रेज होगी, ये सारी की सारी जो रेज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करती हैं।
जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होती है तो इनमें डिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि बीटा रेज या फिर कॉस्मिक रेज ये चार्ज्ड रेज होती हैं, और जैसे ही हमने चार्ज की बात की कि ये चार्ज्ड रेज होती हैं, इसका मतलब कि इनसे मास एसोसिएट कर रहा होगा। यानी हम डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते कि बीटा रेज के पास मास होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बीटा रेज आर कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। बीटा रेज जो होगी वो छोटे छोटे मैसिव पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी और उनके पास मास होगा, बेसिकली उनके मास की बात कर रहे हैं। आगे जैसे अगर कुछ रेज या फिर कुछ बीम ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उनमें चार्ज नहीं है। उनमें चार्ज नहीं है इसका मतलब कि जो उनका कॉम्पोजिशन है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना होगा, या तो वो एटम से मिलकर बनी है या फिर वो साथ ही साथ न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होंगी, इसीलिए उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो ये तो बात हुई कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास है तो ज़रूरी नहीं कि चार्ज होगा, लेकिन चार्ज है किसी बॉडी पे इसका मतलब उस बॉडी का मास कुछ ना कुछ डिफाइन ज़रूर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बॉडी पे कोई भी चार्ज हो सकता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड या फिर इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यही होता है कि द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ में आया? अभी हम इसको इरेज साफ करके थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करें। फिलहाल आप यही जानिए कि जैसे मान लो कि हमने कह दिया कोई बॉडी हमारे पास एक्स है, तो ये जो बॉडी एक्स है इसके पास जब भी चार्ज होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, प्लस 100 इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए के बराबर चार्ज होगा, या फिर माइनस 99 इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो भी आपको नंबर दिख रहा है ना, ये होल नंबर एक होगा। ठीक है, ऑलवेज बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ई के बारे में आपको पता है, दिस इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आगे चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे हम दो चार्ज की बात करें, एक पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा। या फिर दोनों अगर नेगेटिव चार्ज हो गए, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इन दोनों में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है। लेकिन जब चार्जेस अनलाइक होते हैं, एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज अगर आपका नेगेटिव हो, इस केस में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा। तो ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। एक और खास बात होती है कि एक चार्ज्ड बॉडी हमेशा एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बॉडी चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, वो हमेशा एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा पोलराइजेशन आपको बताएंगे वहाँ पे। आगे जो चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है इन पॉइंट्स के बीच में। अगर हम देखें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाएगा तो शायद बोर्ड में यहाँ से आपसे पूछ दे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज इज क्वांटाइज या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यही मतलब होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एनर्जी के बारे में होता है, एनर्जी सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करती है, अपने फॉर्म को चेंज करती है। कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बन जाती है, कभी वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बन जाती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना तो वो जनरेट होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म को या फिर अपने स्टेट को चेंज करती है। ठीक वैसे ही चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी फिजिकल प्रोसेस, चाहे कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर रहा हूँ, उसमें जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। यानी कि शुरू में जितना चार्ज होगा, प्रोसेस के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। तो चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। यानी आप ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज रिलेटेड टू एनी सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, हालांकि वो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो जे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दो प्रोसेस और होते हैं। एक होता है पेयर प्रोडक्शन, दूसरा होता है एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। आगे हम डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज चार्ज इज इनवेरियंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवेरियंट का मतलब ये होता है कि द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू वेलोसिटी पे उसके डिपेंड नहीं करती, उस ऑब्जेक्ट के उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उस बॉडी का जो चार्ज का जो मेजरमेंट होता है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो रहा है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हो रहा है। चार्ज हमेशा जो होता है वो उस पर फिक्स होगा, कॉन्स्टेंट होगा, वो स्पीड पे या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक हम बात करें मास की, मास के साथ ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हमें ये लगता है कि किसी बॉडी का मास कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन मास कॉन्स्टेंट होता नहीं है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ मास की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। m नॉट जो कि रेस्ट मास है, बॉडी जब रेस्ट पे है उस कंडीशन का यह मास है। m उस वक्त का मास है जब बॉडी v वेलोसिटी के साथ, v स्पीड के साथ मूव कर रही थी। आप खुद देख सकते हैं v की वैल्यू इंक्रीज करने पर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। v की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू इंक्रीज होने से ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है वो इंक्रीज होगा। अब वन में से कोई बड़ी चीज़ घटाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो छोटा निकल के आएगा, और जब भी डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है उस केस में जो ओवरऑल वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि v अगर बढ़ा उस केस में m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि मास तो फिर वेरिएंट हुआ, मास इनवेरिएंट हुआ नहीं, क्योंकि मास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। एक बात और, अगर हम इफ क्या हो अगर v को तकरीबन बराबर कर दें c के, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा करे कि उसकी जो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो c अपॉन c ये वन हो गया, वन माइनस वन जीरो, तो फिर m की वैल्यू हो जाएगी m नॉट अपॉन जीरो, और जो कि हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m नॉट बाई जीरो, जो कि आपका आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइन। उस केस में आप मास को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि बॉडी आपका मास के फॉर्म में रही नहीं, वो बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि जब भी v की वैल्यू c के बराबर हो जाए तो बॉडी जो होती है, जो मैटर होता है, वो आपका फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए चार्ज के रिगार्डिंग, चार्ज से रिलेटेड। एक बात और, जैसे चार्ज तो इन्वेरेंट हुआ, चार्ज तो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन चार्ज के अलावा एक टर्म होता है जिसको कि हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो चार्ज डेंसिटी जो होती है ये डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, ये वेरिएंट नहीं, ये वेरिएंट होता है, दिस इज नॉट इनवेरिएंट। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे किसी बॉडी के जिस पे चार्ज है, तो फिर उस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब ये बात याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी तीन तरीके की होती है, हम आगे देखेंगे। लीनियर होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसके बाद एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन होता है रो, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये इंक्रीज होता है कैसे है, आप खुद सिंपल सा सोच सकते हैं। रो के इंक्रीज होने का सिर्फ एक ही रीजन हो कि मास में यहाँ पर फर्क पड़ ही रहा है। अब देख रहे हैं कि मास के इंक्रीज होने से, सॉरी, और स्पीड के इंक्रीज होने से यहाँ पे मास इंक्रीज होता है, और फाइनली जो आपका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के जब बराबर हो जा रही है तो फिर वहाँ पे मास जो हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो चार्ज आपका इनवेरिएंट हुआ, लेकिन मास और चार्ज डेंसिटी जो आपकी हो गई ये वेरिएंट होती हैं। दीज टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए। बाकी इन सारे पॉइंट्स को अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन कौन से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ये जो बात हो रही है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि एटम जो होता है इनका जो कंपोजिशन होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं बेसिकली ये, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलके बना रहे हैं। इनके साथ ही साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये भी किसी न किसी से मिलके बने होते हैं। आगे हम देखेंगे कि उनको क्या कहते हैं, उनको कुछ नाम दिया गया, जैसे हो गया आपका, हमने बोल दिया कि न्यूट्रिनो बोल दिया, न्यूट्रिनो हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती ही नहीं,
जो इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो की हम अगर बात करें तो न्यूट्रिनो की खास बात क्या होती है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, यानी बहुत सारे हैवी न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेवरल टाइप्स ऑफ स्मॉल एंटिटीज से मिलके बनी होती हैं। बहुत सारे हैवी न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसा मिनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो इन्हीं से होता है, न्यूट्रिनो से होता है। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं पाते, ठीक है, जब ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं पाते और इनको इंडिविजुअली डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये जो ये सब जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिनो हो गए, बोसोन हो गए, मेसोन हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग न्यूक्लियस में जब पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी डिटेल में हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। फिलहाल अभी इन सब चीज़ों को जानने का कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें जाननी है हमें कि चार्ज के बारे में, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज पे मैक्सिमम चार्ज पे जो भी चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसमें देखिए एक और चीज़ होती है, कुछ चीज़ें पाएंगी जिसको हमने बोला क्वार्क्स। क्वार्क्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज का इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता। तो अभी इसके बारे में हम लोग ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं इसके बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।